सत्य के साथ। उत्तराखंड में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार जीत हासिल की। सारे मिथकों को तोड़ते हुए भाजपा ने दोबारा अपनी सरकार बनाई। अभी कुछ शपथ ग्रहण हुआ है, कुछ समय पहले ही शपथ ग्रहण हुआ है, जिसमें एक नए कैबिनेट मंत्री बने हैं। बागेश्वर से लगातार चार बार विधायक रहे चंदन रामदास आज हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है टीवी न्यूज़ वायरस की तरफ से कैबिनेट मंत्री बनने पर। सर, विधायक बने हैं, 2006 में राजनीति करियर की स्टार्ट करी, किस तरीके से देखते हैं, क्या अनुभव है? देखिए, राजनीति करियर तो मेरा 1980 से शुरू हो गया था और बचपन से छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूँ। और 2007 में मुझे पहली बार विधायक बनने का मौका मिला। 2010 से 12 तक संसदीय सचिव सिंचाई और समाज कल्याण का दायित्व था। विधानसभा में प्राकलन समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति समिति का कई बार अध्यक्ष रहा हूँ, लोक लेखा समिति में काम किया है और कई अन्य समितियों में भी मुझे काम करने का मौका मिला है। और अपने बागेश्वर क्षेत्र के सम्मानित जनता की कृपा से लगातार चौथी बार मुझे विधानसभा में आने का मौका मिला और पहली बार मंत्रिमंडल में भी स्थान मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय नेतृत्व में दिया है, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने, क्या विजन रहेगा आगे, क्या एजेंडा रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी का अपना दृष्टि पत्र है और संकल्प पत्र है और जो वायदे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर जनता के बीच में किए थे, जो आशा जो विश्वास जगाने का काम आदरणीय धामी जी ने किए थे, उन आशा और विश्वासों को पूरा करने का हमको मौका और एक शो अवसर दिया है। प्रथम चरण से हम उनको शुरू करके उनको ठीक करने का काम करेंगे। बागेश्वर क्षेत्र से आप विधायक हैं लगातार 4 बार, वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र की जनता की, क्या क्या समस्याएं हैं जिसको आप आगे सही करेंगे, आगे जनता की समस्याओं को सुनेंगे? पहाड़ में शिक्षा स्वास्थ्य मुख्य समस्या है। सड़क लगभग सभी ग्राम सभाओं में पहुंच गई है, हर घर में बिजली है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन में पानी की व्यवस्था भी हुई है, हर घर में जल गया है, नल गए हैं और सेकंड फेज थर्ड फेज की योजनाएं भी बन रही हैं। मगर स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि शिक्षा में भी मैंने अपने कार्यकाल में अपने गरुड़ ब्लॉक के सारे विद्यालयों को प्राइमरी को अंग्रेजी मीडियम बनाने का काम किया। मैंने विधायक निधि से अंग्रेजी की किताबें सुलभ कराने का काम किया। मेरा मानना है कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन को अगर हम सशक्त कर दें, जो प्राइवेट एजुकेशन की ओर जाते हैं उसमें नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहाड़ में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यद्यपि मैंने एक लक्ष्य बनाया है, जो मेरा जिला अस्पताल है उसको मैं बिल्कुल परिपूर्ण बना दूँ और उस क्षेत्र में मैंने इस बीच बहुत महत्वपूर्ण काम भी किए हैं। यद्यपि कोरोना ने हमको बहुत सिखाया है और उससे सबक लेके मेरे जिला अस्पताल में आज की तारीख में 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, मेरे पास सीटी स्कैन मशीन आ रही है 5 करोड़ की। 1 हफ्ता पहले मेरे वहाँ डायलिसिस सेंटर शुरू हो गया है और सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की व्यवस्था मेरे जिला अस्पताल में आज की तारीख में है। अल्ट्रासाउंड मशीन है मेरे पास, कलर एक्सरे की मशीन है मेरे पास, ब्लड बैंक है मेरे पास, ट्रामा सेंटर है। और भी कुछ करने की और आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मेरा जिला अस्पताल ऐसा बन जाए कि जिले के लोग बागेश्वर जिला अस्पताल में अपना इलाज कराएं, हल्द्वानी और बाहर जाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़े। तो हमसे बात करने के लिए सर धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री, अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने हैं चंदन रामदास जी, जो बागेश्वर से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। इनका कहना है कि आगे पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, जो भी अभी हाल ही में पोर्टफोलियो बंटने वाले हैं जिसमें पार्टी जो भी विभाग देगी उसको अच्छे से जिम्मेदारी को निभाएंगे। और अपने क्षेत्र की जनता का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है, 4 बार लगातार विधायक रहे उसको लेकर भी। कैमरामैन इमरान के साथ मैं फरहान खान, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून।
सत्य के साथ।